बंद कर दो केज इनका। ए पिजन सारे ये ऊपर वाले इनको। ओए बात सोए, अभी आता पी चुके चाय, तो अब चलते हैं दूसरे का। बंद करो थोड़ी देर खोल लें कुक। सुबह अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। तो हम करने लगे हैं वीडियो शुरू। तो दिन में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन थोड़ी देर पहले आंधी चली है, तो जिसकी वजह से ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया, तो हमने सोचा चले बर्ड्स को दाना वगैरह डाल लेते हैं, और उस रन को हमने केजेस में बंद करना होता है शाम के टाइम। तो वीडियो शुरू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हमने इनको बंद करना, हमारे छः जो हैं आशर भाई, जरा छः पूरे हैं, इसके अंदर चलेंगे छः। अगर चलेंगे तो दरवाज़ा इनका ना बंद कर दो केज इनका। हैं किधर है? चलो ऐसा पीछे हो जा जरा, चल पीछे हो जा पीछे। चलो जी चलो, ये हो गया छः पूरे, इनको बंद करने लगे हम, तो इनका टाइम हो गया। चलो अंदर आ जा। तो ये वाले जो है ना हमारे पिजन, सारे ये ऊपर वाले जो हैं सारे बाजी वाले हैं। जो इनमें से कुछ जो उनकी ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, जुमे वाले दिन फिर बाजी है, और नीचे भी है। और ये जो फैंसी हमारा, इसने अंडे वगैरह दे दिए हैं, वो देख सकते हैं आपने। एक फीमेल ने ना अंडा दिया हुआ, उसके साथ वो वाला मेल है। तो इनमें दो कबूतरों का और इजाफा हुआ है, वो ऊपर दो बैठे हुए हैं और दो वो पीछे वाले छोटे बच्चे हैं। तो अभी इनका दाना वगैरह पड़ा हुआ है, पानी भी पड़ा हुआ है इनका। तो मौसम खुशगवार होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश हैं, हवा वगैरह चल रही है, तो बर्ड्स अब रिलैक्स फील कर रहे हैं सारे। तो इनको हमने चारा पड़ा हुआ इनका लेके आऊँ। हाँ चरी नहीं पी देते ब्याह, ये भी इनको अभी डाला थोड़ी देर पहले, तो अभी फिर ये देखें मांग रहे हैं, तो अभी डालते हैं इनको। ओए बात सोए, अभी आता ठहर जो ज़रा। अशर मिल गया, चलो जी ले लो जी, खाओ मज़े करो, शाबाश। और दूध वगैरह जो हमने ना आंधी आने से पहले निकाल लिया था, तो उसके आगे चारा वगैरह पड़ा हुआ, चाय वगैरह हमारी बन चुकी है, हमने पी चुके हैं चाय। तो अब चलते हैं दूसरे बर्ड्स की तरफ, देखते हैं उनको। इन्हें दोनों बंद फड़ो, इन्हें दोनों उधर साइड तो फड़ो, इन्हें पहला कितने चढ़ना, ऊपर वाला खाना नहीं, उधर दो बंद कर दे, तो इन्हों खोल देने आप, ठीक हो गया। इन्होंने बंद करो थोड़ी देर खोल लें कुछ सुबह, असल इन्हें खोल यार। हाँ खोल दे दोनों खोल दे। चलो जी इनको खोल देते हैं, इन्हें दोवें बर्तन लाया बाहर, इसने ना रख देते बर्तन लिया। चलो 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 पानी ओत रख दे, हैं ओत भर के ना। बस आंधी की वजह से ये हमने यहाँ पे ना कपड़ा लगाया हुआ था, वो सारा उतर गया नीचे, तो सुबह इसको दोबारा लगाएंगे। तो पिकॉक हमारा वाइट वाला ये बैठा हुआ है, एक और ब्राउन वाला वो पीछे ऊपर बैठा हुआ, दूसरा वाइट जो वो सबसे ऊपर जाके बैठता, वो नज़र नहीं आता हमें। तो जब हवा चलती है तो फिर ये जल्दी से ऊपर जाके बैठ जाते हैं, जब मौसम ख़राब होता है। हाँ जी की हाल चाल है? बस भाई इनका पानी वगैरह पड़ा हुआ है, और दाना भी इनका मौजूद। हाँ पीछे आंदा ही हूँ है शहजादा। बस कुछ नहीं है। आ जा नहीं तो ना सही फिर बस। हाँ सर इसका पानी रखें ज़रा पीछे, यहाँ पे रख दें बस यहाँ पे। तो इनका जो हमने पानी वगैरह जो दिन में तकरीबन 7-8 मरतबा हमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि पानी इनका जो पिकॉक है ना वो पानी का गिरा देता है। तो पिकॉक का पानी हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला उसके पीने के लिए। तो बाजरा वगैरह इनको डाला हुआ था, वो खा चुके हैं, अभी दोबारा डालते हैं। तो आशर थोड़ा सा बाजरा ले लो सामने। ये हमारे पीस रह गए हैं सिर्फ 7-12 में से, 2-3 बिल्ली ले गई है, 2-3 मर चुके हैं, 5 मर चुके हैं, यानी कि 5 चले गए। तो चूज़े भी कम हो गए, तो होपफुली अब ये सारे ठीक हैं, पहले से बेहतर हैं। ये इनका बाजरा रख देते हैं ताकि ये खा लें, क्योंकि अब शाम होने वाली, तो फिर दोबारा इनको सुबह के टाइम पर मिलना है, तो अभी हमने इनको डाल दिया, ये खा लेते हैं। हमने एक जो बीमार है ना हमारी पिकॉक, ये छोड़ी हुई है फीमेल, ये कैमियों की, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है बीमार। तो अब दाना वगैरह तो हाथ से फिंड करो खिला रहे हैं इसको, तो उम्मीद तो है कि बच जाएगी, क्योंकि अपने पाँव पे चल फिर रही है, तो हमने इसको हैंड फीड करवाई है 2-3 दिन, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बच जाएगी। तो हमने इनको सेपरेट कर दिया, दूसरे से ही पानी ज़्यादा पीती थी, जिस वजह से हमें ना सेपरेट करनी पड़ी है। हाँ जी ये रह गई हैं दो, तीसरी हो गई बीमार, वो हमने सेपरेट कर दिया दूसरे केज में। इसकी टेल आपको नज़र आ रही होगी कितनी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, इधर में 5-6 लत्थे सी, लेकिन पीछों पूरी हो जा रही है ना। और इनका दाना वगैरह पड़ा हुआ गंदम, ये इन्होंने खाई नहीं, तो अभी हम इनको ना थोड़ी देर तक रोटियां डालते हैं,
एक टाइम ये गंदम डाली थी लेकिन उन्होंने अच्छी तरह खाई नहीं, तो पानी इनका पड़ा हुआ है। और आज इनको नीचे पानी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मौसम जो है ना वो काफी बेहतर है आज। आशर भाई हाँ बर्तन लिया इन्हों का कट के पानी वाली दो इन्हों का कितने पानी वाला बर्तन इन्हों का पानी वाला बर्तन कितने पे इन्हों का वो पर देख भला कि हाँ ला 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 पानी लिया स्नैनो कट के लिया बर्तन इन्हों का पानी वाला ओ दाने वाला कुछ नहीं कहते तेन कड़ ला चल आ जा लाइट वगैरह जला दी हमने इनकी तो अभी इनको पानी वगैरह रख देते हैं। दाना नहीं लिया बस पानी पाना ती आहो जी असर वो साइड तक रखना पानी प्यास लगी होनी इन्हों बह जाना इधर रख दे साइड बस अभी इनका पानी हमने चेंज कर दिया दाना वगैरह खा चुका थोड़ी देर में हम इनको डालेंगे रोटियाँ जो हमने भिगोई हुई हैं। ये देख सकते हैं आप पानी जैसे ही रखा पीने के लिए आगे बर्ड्स तो गर्मी में पानी का एहतियात आपने करना है पानी इनके आगे 24 घंटे पड़ा रहना चाहिए। आ जाओ हम अच्छा भाई जी दोस्तों तो हमारी वीडियो हो गया कंप्लीट आप देख सकते हैं हमारे बालों का हाल फेस का सारा मट्टी पड़ी हुई है हमें तो वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई शुरू से एंड तक देख लिया करें और चैनल को कर दिया करें सब्सक्राइब। मिलते हैं कल की वीडियो में कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।